अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है, मैं पंखा बंद कर देती हूँ। पोछा लगाया था ना, तो वो सूखने के लिए मैंने पंखा चला दिया था, तो अभी बंद कर दिया है। तो ब्लॉग जो है मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैंने ये जो बेडशीट है ना, कल नहीं चेंज किया था, आज चेंज कर दिया और अभी धोने के लिए लगा हुआ है। और लाइट जो है ना, शायद नहीं है, शायद मशीन बंद है तो शायद लाइट नहीं है, या फिर वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा, दोनों में से कुछ होगा। तो इन्वर्टर पे कनेक्ट हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है कब लाइट रहती है कब नहीं लाइट रहती है। और सारे काम जो होते हैं ना घर के हो गए हैं। और धूप जो है ना, आज माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है, बहुत ही खिली हुई धूप है। मतलब मैं गई थी थोड़ी देर के लिए छत पे ना, 5 मिनट में ही ना मुझे इतनी, मतलब ना होती है ना, ज़्यादा तेज़ धूप रहता है, और स्वेटर भी पहना था मैंने, तो मुझे इचिंग टाइप की होने लगी, तो मैं आ गई नीचे। और अभी सारी खिड़की हो रही है ना घर के खोल दिए, बहुत अच्छी धूप आ रही है गर्मी, तो अच्छा लग रहा है। मैं भी चाय बना रही थी, क्योंकि ना नाश्ता करने के बाद ना मैंने चाय नहीं पिया था, और जब तक नाश्ता करने के बाद चाय नहीं पियो ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी अच्छी धूप निकली है, सी। और इस बार मेरे ये वाले प्लांट में ना, जिसपे पर्पल फ्लावर आए हैं, पेटूनिया पे पता नहीं क्यों ज्यादा फ्लावर नहीं आए, नहीं जिसपे बहुत फ्लावर आते हैं, भर भर के फ्लावर आते हैं, मतलब बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, और फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं इस पर, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं आए, ज़्यादा ठंडी की वजह से या पता नहीं क्या रीज़न है। तो अभी पता है दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है, और मैं जा रही हूँ खाना बनाऊँगी अभी दोपहर का। काफ़ी लेट ही हो गया है, क्योंकि 12:30 हो गए। तो आज जो दोपहर में है ना, मैं क्या बनाऊँगी, मटर की कचौड़ी बनाऊँगी। मुझे मटर की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को पराठा और कचौड़ी मटर की बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से कभी, मतलब बहुत कम ही बन पाता है, अभी दोपहर में वो नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज दोपहर में यही बना लेती हूँ। तो ये सारे काम वगैरह करने में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के ना मैं वीडियोज़ देखने लगी थी, तो वीडियोज़ देखने लगो तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलता है, तो टाइम जो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वही मैं देख रही थी। और चाय मेरी जल गई, देखो कितनी ज़्यादा पक गई, मतलब एकदम ब्राउन हो गई। मुझे इतनी, मतलब मुझे कड़ी चाय पसंद है, पर इतनी भी ज़्यादा जली हुई चाय पसंद नहीं है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाना था, मुझे, रुको मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, मैंने फ्लिपकार्ट से ना बैंगल मंगाया था, और मेरा जो साइज़ है ना वो 2-8 है, और मैंने उसमें मेंशन भी किया था साइज़ जो सिलेक्ट करना पड़ता है ना, लेकिन उन्होंने मुझे साइज़ भेज दिया 2-6। दिखाती हूँ, ये देखो इतनी छोटी है, 2-6 है। ये मेरे हाथों में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे जो कलाई है ना, ये शायद, ये मेरी जो कलाई है ना काफ़ी ज़्यादा कड़ी है, तो मुझे इसे रिटर्न करना है। और कितने का था ये, 180 या 200 समथिंग कुछ था, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने मंगा लिया, लेकिन साइज़ उन्होंने सही नहीं भेजा। तो अब मैं इसको रिटर्न करके दूसरा नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा आने के बाद, उस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने रखा है सामने में, इसलिए रखा है ना कि वो शायद आज आने वाले हैं, भैया मैसेज आया था, इसीलिए मैंने सामने में रखा है कि जब आएंगे तो दे दूँगी। और पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। और आज ना मुझे ना वो भी बनाना है, केक भी बनाना है। नायरा मेरे से 2-3 दिन से बोल रही ना, मम्मा केक नहीं बनाया आपने, तो मैं आज सोच रही हूँ ना कि केक बना ही लेती हूँ, तो शाम तक देखेंगे, अभी तो खाना बनाना है, क्योंकि खाने में ही काफ़ी लेट हो गया है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ इसकी जो रेसिपी है मैं वो भी शेयर करूँगी, और काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे कचौड़ी बनाने के लिए पहले मैंने कढ़ाई जो है उसे गर्म कर लिया है, इसके बाद इसमें जो मसाले हैं इसे रोस्ट करेंगे। इसमें मैंने धनिया लिया है, जीरा लिया है, और सौंफ लिया है, और 3-4 जो सूखी लाल मिर्चें होती है वो ले ली है, और इन्हें मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। जब तक मसाले जो होते हैं ना ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक, तो मसालों को रोस्ट करके मैंने यहाँ निकाल लिया है। और ये मटर है जिसे मैंने छील कर रखा है, अब इन सारे मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे। तो मसालों को मैंने यहाँ पे दरदरा पीस लिया है, और मटर जो होता है उसे भी ग्राइंडर में डाल लिया है, और मटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, मतलब इसे दरदरा ही पीसना है मटर को भी।
अब मैंने सेम कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही तेल डालेंगे और तेल को गर्म हो जाने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा ना तो यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्ची को काट कर रखा था वो डाल देंगे तेल में, और जब मिर्ची और अदरक जो होते हैं ना थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद जो मैंने मटर को दरदरा पीसा था ना वो मटर इसमें डालेंगे, और मटर के डालने के बाद ना इसे लगातार हमें चलाना है वरना जो ये नीचे से ना चिपकने लगता है, तो इसलिए हम इसे दरदरा लगातार चलाएंगे। और नमक भी डाल देंगे साथ ही साथ, तो यहाँ पे ना मटर को मैंने थोड़ा सा चला लिया। तो इसके बाद ना मैं इसमें वो मसाले डाल रही हूँ जो मैंने दरदरा पीस कर रखा था, ड्राई मसाले, उसके साथ हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला मैंने और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाला, जो जीरा पाउडर होता है ना कच्चा जीरा पाउडर वो, और साथ ही ये नमक डाल दिया। अब इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद ना इसे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि मटर जो है ना वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि मटर जो है वो हमने कच्चा लिया था, बॉयल मटर नहीं था, तो मटर को अच्छे से पकाना ज़रूरी है। अगर मटर जो कच्चा रहेगा तो फिर पेट में दर्द हो सकता है, तो यहाँ पे मटर को मैंने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दी हूँ, धनिया पत्ती डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है कचौड़ियों में, तो धनिया पत्ती डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। भूनते भूनते जो मटर का कलर हरा था ना वो हरा से थोड़ा सा मतलब चेंज होने लगेगा, ब्राउन टाइप में होने लगेगा। तो मेरा जो स्टफिंग था वो भून लिया था मैंने अच्छे से, वो तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं कचौड़ियों के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। तो मैंने मैदा लिया और उसमें तेल डाला और नमक डाला, और उसके बाद जो नॉर्मली हम आटा गूंथते हैं ना वो आटा गूंथ लेंगे। आटे को बहुत ज़्यादा गीला ना करें वरना कचौड़ियों को जब स्टफ़ करते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं गुनगुने पानी से ही आटा गूंद रही थी, क्योंकि मैदा जो होता है ना अभी ठंडी के सीज़न में पानी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो मैदा जो होता है ना तुरंत हार्ड हो जाता है, और गर्म पानी से गूंदने से ना ईज़िली मतलब अच्छे से सॉफ्ट आटा तैयार होता है, तो इसलिए मैं गर्म पानी से गूंद रही थी। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है ना तैयार हो चुका है, और मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंधा था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इस टाइप से मैंने आटा गूंध कर तैयार कर लिया है। तो अब बारी है ना कचौड़ियों को स्टफ़ करने की। तो यहाँ पे मेरी जो स्टफिंग थी ना वो भी ठंडी हो चुकी थी, तो मैं पहले तेल चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि जब तक तेल जो है वो गर्म होगा ना तब तक मैं सारी कचौड़ियों को भर लूँगी। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड का तेल ही फ्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया। अब तेल चढ़ाने के बाद में मैं कचौड़ियों को स्टफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे हम आटे का छोटा छोटा पेड़ा लेंगे और इसे अंगूठे से दबाते हुए होल बनाएंगे, और इसमें जितना भी आपको स्टफ़ करना है, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हैं, और इस तरह से गोल घुमाते हुए इसके मुँह को सील कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरी लगभग सारी कचौड़ियाँ जो हैं मैं स्टफ़ हो चुकी हैं, मैंने एक एक करके सारी कचौड़ियों को भर लिया है। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे तेल में मैं एक एक करके कचौड़ियों को डाल रही हूँ, और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो जो ऊपर से होता है ना वो अच्छे से गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, और मैदा अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा ना तो फिर पेट में जाकर बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान करता है, तो मैदे को अच्छे से पकाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। और इसे पकने में ना कम से कम 8 से 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही धीरे धीरे कुक किया है ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे जो मेरी कचौड़ियाँ हैं ना ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कलर जो होता है ना इसका एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है।
अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और ये खाने के लिए एकदम तैयार है। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ जो होती हैं ना चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, चटनी या फिर अचार के साथ। अभी मैं गई थी बाजार, थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाओ ना तो थक जाता है इंसान, और सच में मैं थक गई हूँ। और अभी ये धूप है ना, सीना मेरी आंखों पे आ रही है। और फर्स्ट टाइम पता है मैं क्या लेकर आई हूँ, टोमेटो प्यूरी। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है, मतलब मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। मैंने बहुत सारी डिशेज में देखी है जो ये यूज़ होती है, तो मैं लेकर आई हूँ। अब मैं इसको यूज़ करके देखूँगी, इसके बाद बताऊँगी। वैसे अदरक लहसुन का मैं पेस्ट भी लेकर आई थी ना, लेकिन वो मुझे बहुत बेकार लगा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि उसे जो रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना वो यूज़ करें। और मैं ये कुकीज़ लेकर आई हूँ, ये मेरा फेवरेट है, जो कि बेकरी वाला होता है ना वो है, बहुत टेस्टी होता है। चाय पत्ती, मेयोनीज जो कि ख़त्म हो गया था, बहुत कम यूज़ होता है तो इसलिए मैं यही लेकर आती हूँ। और नहरा और बाबू के लिए बर्गर, क्योंकि इनको बर्गर खाना था। कॉफ़ी, और ये मठरी लाई हूँ, पालक मटरी है जो कि ओवन का है, और मुझे बहुत ज़्यादा उनका मटरी भी बहुत टेस्टी है। मतलब उनका हर सारा बेकरी प्रोडक्ट जो होता है ना ओवन का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैदा है, और दूध है, नमक है, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं बर्गर इनको निकाल के दे देती हूँ। और पता है आज मैं बहुत दिनों के बाद बाहर गई थी, मतलब बाबू को स्कूल से लाने के लिए भी मैं नहीं जा रही थी, और ऐसे भी मतलब बाहर जाना नहीं हो रहा था। आज बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से ना एक हफ्ता या 10 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली थी। तो अच्छा लगता है ना घर से बाहर जाओ तो, वैसे वो मतलब जब तक घर से बाहर नहीं जाओ ना ऐसा लगता है ना ठीक है घर पे ही ठीक है ठीक है, लेकिन जब बाहर जाओ ना तो थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है। भले ही आप घूमने के पर्पज़ से नहीं जा रहे हो फिर भी अच्छा लगता है। और अभी ना वो होता है ना पतझड़ का मौसम शायद शुरू होने वाला है, इतनी तेज़ हवाएँ चल रही है ना, और साथ में जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना वो भी गिर रहे हैं, और मुझे ना पतझड़ का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब ठंडी जाएगी तो फिर पतझड़ तो शुरू होगा ही। और दीजिए मैं निकाल दूँ, तो उसमें मत खाओ बेटा, मैं निकाल के दे रही हूँ, ठीक है? रुको मैं प्लेट में दे रही हूँ तो इन लोगों को दे दूँ, नहीं तो फिर पता है ना बच्चों को कुछ भी खाने के ला दो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, बस जल्दी से उनको मिल जाए। और ये लोग ना बर्गर के साथ थोड़ा सा फ्राइज भी देते हैं। तो मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक ले लें, फिर बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।